1000 रुपीज़। बाप रे, बहुत महंगा है, इतना तो मैं नहीं ले पाऊंगी। ये देखती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, बट ये आईज के लिए है सिर्फ। चेहरे की झुर्रियों का क्या? अगर चेहरे के लिए और आईज के लिए अलग अलग लेती हूँ तो फिर इसकी कॉस्ट 5000 पहुँच रही है। यार, ये सब बहुत कॉस्टली है, क्या करूँ? कोई अंडर बजट मिल जाए प्रोडक्ट तो मज़ा आ जाए, कुछ सस्ता से देख लेती हूँ। क्या ऐसे ही कुछ आप भी तलाश कर रही हैं ऑनलाइन? बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती हैं या मार्केट में जाती हैं अपने लिए कोई अच्छा सा एंटी एजिंग प्रोडक्ट मांगती हैं, और मार्केट में आपको वो एंटी एजिंग के नाम पर बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट पकड़ा कर कहते हैं कि भाई ये वाला ले जाइए, ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी झुर्रियों को हटाएगा, फाइन लाइंस को हटाएगा, जिसकी कॉस्ट आपको 2-3 हज़ार रुपए बताई जाती है, और जब आप उसको घर पर लेकर आती हो तो उसका नतीजा 0 मिलता है, यानी 0 मिलता है, उसका कोई रिजल्ट मिलता है, और आपको बाद में ये लगता है कि यार मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं आजकल मेरे चैनल पर कमेंट कर रही हैं कि निगार, हमारी एज बढ़ना शुरू हो गई है, चेहरे के ऊपर स्किन लूज दिखती है, ढली हुई स्किन दिखती है, स्किन अपलिफ्ट नहीं दिखती है, पहले वाला चांक हो गया है, स्किन टाइट नहीं है, और चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां और स्किन बहुत ज्यादा ढीली और लटकी दिखाई देती है। हम अपने चेहरे को क्या फिर से टाइट कर सकते हैं? तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा एंटी एजिंग खजाना गाइस, जिसको इस्तेमाल करके आपके चेहरे की झुर्रियां, आपके चेहरे की सैगिंग, आपकी स्किन का लटक जाना, झूल जाना, या फिर आंखों के चारों तरफ झुर्रियां आ जाना, ये सब न सिर्फ खत्म होगा बल्कि आपके चेहरे पे खोया हुआ ग्लो वापस आएगा, आपकी स्किन अपलिफ्ट होने के साथ साथ आपके नए सेल्स बनेंगे, आपकी स्किन के सेल्स रिजुवेनेट होंगे, और सालों साल तक आप जवान नजर आएंगी। जी हाँ, आज का टॉपिक आप सभी ब्यूटीफुल सी लेडीज के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर भाई मेरी आदत बन गई है आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आने की। तो आज भी ऐसे ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ उन सारी लेडीज के लिए जो कि चेहरे से झुर्रियां हटाना चाहती हैं, स्किन सैगिंग को खत्म करना चाहती हैं, फाइन लाइन रिंकल से बहुत ज्यादा परेशान है, अंदर उनकी आंखें धंसना शुरू हो गई है, या झुर्रियों ने उनके चेहरे पे घर बनाना शुरू कर दिया है। ये वीडियो बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एक थम्स अप यानी एक लाइक जरूर दे देना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो माय नेम इज निगार, और मैं यहाँ पे खूबसूरत कंटेंट और रेमेडी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिसका फायदा उठाती है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली, और आपको उसके मिलते हैं गजब के रिजल्ट। तो अगर पहली बार देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपसे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, ठीक है? तो चलिए आज फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ एंटी एजिंग का खजाना, जो कि बहुत खूबसूरत रिजल्ट आपके चेहरे पे देगा और जिससे आपकी स्किन हमेशा सालों साल जवान नजर आएगी। आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स और सिंपल सी चीजों की हमें जरूरत है। सबसे पहली चीज हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ये मार्केट बेस्ड होना चाहिए। आप घर का जो पत्ते वाला होता है वो एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल की अगर खूबियां बताऊं गाइस, तो ये आपकी स्किन को सबसे पहले बात है जो खुरदरापन होता है उसको खत्म करता है। ये एंटी एजिंग का भरपूर खजाना है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद मिलती है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है, झुर्रियों और फाइन लाइंस को आपकी स्किन पे आने से रोकता है, और जल्दी से साइंस ऑफ एजिंग को चेहरे पे नहीं आने देता, ठीक है? तो आपको यहाँ पे तकरीबन 2 स्पून यानी 2 टेबल स्पून के बराबर चाहिए एलोवेरा जेल। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम सबके घर में मौजूद रहता है गाइस, आपको लेना है कोकोनट ऑयल, या तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ले सकते हो या फिर सिंपल पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा सैग हो रही है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर से समझ लीजिए ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा बुझी बुझी रहती है, तो ये आपकी स्किन के चार्म को वापस लेकर आने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारे फैटी एसिड मौजूद होते हैं गाइस, जो कि आपके चेहरे को बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकते हैं, आपकी स्किन को टाइट करते हैं और आपके चेहरे पे ग्लो बरकरार रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हमें कोकोनट ऑयल चाहिए? तकरीबन 2 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल की इसमें ऐड करनी है। दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे जो हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, वो है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, जो कि आपके चेहरे से झुर्रियों को हटाने के लिए, रिंकल्स को हटाने के लिए, फाइन लाइंस को हटाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। अगर आपकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसती जा रही हैं, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, या आपकी आंखों के चारों ओर झुर्रियां दिख रही हैं, तो ये उसको खत्म करने में आपकी मदद करता है। जैतून का तेल एक ऐसा ऑयल है जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है गाइस, और ये आपकी स्किन की डीप लेयर तक पेनिट्रेट होकर स्किन के ऊपर वर्क करता है। इस्तेमाल से आपके चेहरे पे नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं,
और जिन सेल्स की टूट फूट होती है ये ओवरनाइट हमारे उन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, यानी स्किन को रिजुविनेट करता है। ये ऑयल है विटामिन ई से भरपूर आलमंड ऑयल यानी मीठे बादाम का तेल। ये ऑयल हमारी स्किन के लिए बेहद बेनिफिशियल है गाइस, क्योंकि विटामिन ई से हमारी स्किन ग्लो करती है, विटामिन ई से हमारी स्किन कभी डल नहीं दिखती है, विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारी स्किन हमेशा टाइट रहती है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां नहीं आती हैं, रिंकल्स नहीं आती हैं, जल्दी से साइंस ऑफ एजिंग और बुढ़ापा नहीं दिखता है। और अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल अपने डेली रूटीन में करते हो गाइस, तो सालों साल तक आपकी स्किन हमेशा यंग दिखती है, हमेशा जवान दिखती है और हमेशा आपकी स्किन के ऊपर से ग्लो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर आपको लेना है मीठे बादाम का तेल। मैजिकल इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि आपकी ढीली ड्राई और डल स्किन में बहुत जबरदस्त वर्क करता है। ये चेहरे के ऊपर से झुर्रियों को हटाने का काम करता है गाइस, और अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है और स्किन बिल्कुल भी आपकी सपल नहीं दिखती है, तो ये उसको बिल्कुल सपल करता है, सॉफ्ट करता है और स्किन के ऊपर भर भर कर चमक पैदा करती है। यहाँ पे हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच के बराबर ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन का 1/2 चम्मच आपके चेहरे पे नूर वापस लेकर आ सकता है। और इस वक्त तो विंटर आना शुरू हो गई ना, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा मैं बता रही हूँ, जो कि आपके लिए विंटर में भी काम आने वाला है, सिर्फ इस सीजन के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरी विंटर में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तो 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे ऐड किया है ग्लिसरीन, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसकी जगह अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 3-4 कैप्सूल इसके अंदर विटामिन ई के डालूंगी गाइस, और इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरह से चम्मच लीजिए और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर डालिए। एलोवेरा जेल के अंदर ये हमारे तीनों ऑयल अच्छी तरह से ब्लेंड होने चाहिए, साथ में हमने विटामिन ई के कैप्सूल जिसके अंदर ऐड करें गाइस, ये भर भर कर हमारे फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएंगे और यकीनन ये आपकी स्किन की काया पलट देगा। ये बहुत ही खूबसूरत एंटी एजिंग ग्लो का खजाना है जो कि आपके चेहरे पे बहुत बहुत मैजिकल वर्क देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमारा मैजिकल एंटी एजिंग बेस बनकर तैयार है, जिसको हम अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे। बट यहाँ पे इसको स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास कोई ग्लास का कंटेनर है या फिर प्लास्टिक की कोई डिबिया है या एयर टाइट कोट कंटेनर है, तो उसके अंदर इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। कितने दिन के लिए रख सकते हो, अगर फ्रिज में रख रहे हो तो 20 दिन तक आपका ये आराम से चलेगा, अगर फ्रिज के बाहर रख रहे हो तो ये 10 दिनों के लिए आपके इनफ है। अब आपको क्या करना है, लगाना कैसे, लगाने का तरीका जानना बेहद जरूरी है। लगाने के लिए गाइस आप रात में जब सारे कामों से फारिग हो जाए, सब कुछ आप कर चुकी हैं, बेड पे जाने का टाइम है, अपने किचन से आप फ्री हो चुकी हैं, तो आप जाइए अच्छे से अपने फेस को धो लीजिए। चेहरा साफ करना बेहद जरूरी है, जब आप रात में अपने चेहरे को साफ करके धोती हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि चेहरे के ऊपर जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया, जो पसीना, जो सिबम, जो धूल मिट्टी हमारे स्किन के ऊपर जमा है वो निकल जाती है और स्किन हमारी सांस लेना शुरू कर देती है और रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, हमेशा नाइट में आप अच्छी स्किन केयर रूटीन करके अगर आप सोती हैं तो आपके चेहरे पे बुढ़ापा और सैगिंग और रिंकल्स नहीं आती। कम एज की लड़कियां मुझसे कहती हैं कि निगार दी, हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं रहा, हमारे चेहरे पे 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में झुर्रियां आ रही है, इसके लिए कुछ बता दें। तो देखिए, आप अच्छी हेल्दी रूटीन अगर शामिल करती हो डेली में, और इसके अलावा अच्छा हेल्दी खाना खाती हो, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती हो, पानी खूब सारा पीती हो, तो आप 50 साल तक भी जवां दिख सकती हैं, 50 साल तक भी आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। थोड़ा सा इसको लेना है, हल्का सा वार्म कीजिए, वार्म करने के बाद पूरे फेस के ऊपर लगाइए और सर्कुलर मोशन में मसाज करना शुरू कीजिए। आप मुझे देख रही हो तो इससे आपकी स्किन की सैगिंग भी खत्म होती है, बुढ़ापा भी खत्म होता है, स्किन अपलिफ्ट होती है, चेहरे के ऊपर नेचुरल ग्लो हमेशा बना रहता है। आंखों के चारों ओर आप इसका मसाज कीजिए, आंखों की ढीली लटकी स्किन टाइट होगी, डार्क सर्किल हटेंगे और धसी हुई आंखें आपकी उभर कर फिर से उसी तरह से यंग नजर आने लगेंगी, और यहाँ की आसपास की स्किन बहुत ज्यादा अगर ढीली हो गई है तो वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस ऑयल को आपने जितना लिया है आपको उतना पूरा अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, जज्ब करना है। आपको ओवरनाइट इसको लगा कर छोड़ना है गाइस,
और सुबह अच्छा सा फेस वॉश कोई भी आप कर सकती हो, या मेरा बताया हुआ कर सकती हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी एंटी एजिंग वीडियोस है ना मैंने गजब के शेयर किए हैं गाइस, उनको जाके देखो, उनका फायदा उठाओ, वो आपके लिए बहुत मैजिकल साबित होंगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लगा ली। अगर आपको बहुत ज्यादा चिपचिपापन लग रहा है या फिर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या करोगी, टिश्यू पेपर लीजिए और इसको एक बार वाइप आउट कर लीजिए। आपको इसको धोना नहीं है, ओवरनाइट इसको लगाकर आपको छोड़ना है। ठीक है, रात भर या आपकी स्किन की डीप लेयर तक पेनिट्रेट होकर वर्क करेगा, सेल्स रिजुविनेट होंगे, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, स्किन अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और जो महंगे महंगे प्रोडक्ट आज तक आपने खरीदे हैं ना उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है, निजात मिलने वाली है, आपका ढेर सारा पैसा बचने वाला है। और अगर ये ऑयल आप मतलब घर में रख लोगी ना तो ये आपके कम से कम 6 से 8 महीने चलने वाले हैं। सिर्फ इतना एक बार खर्च कर लेना और बाकी का ना आप इसको यूज करते रहना, 6 से 8 महीने तक आपको एक चवन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी और आप भरपूर फायदा उठा पाएंगी अपनी स्किन के लिए और अपने चेहरे को फिर से जवां होता देख पाएंगी। एक एंटी एजिंग ऑयल नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना आपके साथ शेयर किया है जिसको हमेशा ही आपको अपने पास बनाकर रखना है। और इसको 30+ एज की अगर महिलाएं अगर हैं, वो 30 की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, तो उनको अपनी डेली रूटीन में से शामिल करना होगा। जी हाँ, 2 बूंद ये तेल आप चेहरे पे रोज लगाकर मसाज करिए। डेली रात में अगर ये मसाज करती हो गाइस तो आपके चेहरे पे ना बुढ़ापा आता है, ना स्किन लटकती है, ना ढीली पड़ती है और ना ही आपके चेहरे पे जल्दी से झुर्रियां दिखती हैं, बल्कि ये आपकी स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करता है और आपकी एज को रिवर्स करता है। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाली वीडियोस जो मिलते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं गाइज, और घर बैठे आप उनका फायदा उठा सकती हैं। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप घर बैठे उनको देखकर फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।